आपके यहां इमरजेंसी होती है, कोई गरीब आदमी आया बिल्कुल बुखार से तप रहा है, पीड़ा में है, संकट में है, उसकी जेब में उस समय पैसा नहीं है, तो अपना धर्म का कार्य पूरा कर लीजिएगा, उसको दो टेबलेट दवा दे करके उसको कम से कम बुखार की पीड़ा से मुक्त कर दीजिएगा, वह आपको दूसरे यश के रूप में दूसरी संपत्ति को बढ़ाने का कार्य करेगा। बाकी पेशों में इतना लोगों का नुकसान नहीं होता जितना इस पैसे में, अगर आपने केवल पैसे के लिए कार्य किया तो वहां पर मानवता बहुत पीड़ित होती है, इंसानियत बहुत पीड़ित होती है। बहुत बार होता है हमारे आसपास इर्द गिर्द ऐसे परिवार होते हैं जिनके पास हर वक्त पैसा नहीं है, तो धन के अभाव में कोई मौत के मुंह में ना जाए, बीमारी की पीड़ा से ग्रसित होकर के उसका साफ हमें ना लगे, इसलिए हमें अपने इस कर्तव्य के साथ साथ व्यापार के साथ साथ धर्म का कार्य भी करते जाना है। इससे ही आपकी तरक्की होगी, आप खुशहाली के पद पर आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित साथियों से मैं कहना चाहूंगा, यार आप सब लोगों ने आकर के इनका सम्मान बढ़ाया है, इनका मनोबल बढ़ाया है, और मैं संचालक महोदय से कहूंगा कि आप इनका विश्वास भी बढ़ाने का कार्य करिएगा, ये कहीं भी रहे और ये याद करके कहें कि नहीं हमारे बीच का कोई व्यक्ति इस पेशे में है, इस व्यवसाय में है, आप उसके पास चले जाना, निश्चित रूप से अगर पैसा नहीं भी है तब भी आपको दो वक्त की दवाई मिल जाएगी और आपके शरीर की पीड़ा कम हो जाएगी। सम्मानित साथियों, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करते हुए, क्योंकि समय राजनीति का आ गया है, चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, जैसे राजनीति का नाम लेता देखिए कुछ लोग मुस्कुराने लगे, बारिश जब होती है तरह तरह के मेंढक जो धरती के भीतर छुपे होते हैं जिनको आपने कभी नहीं देखा, कोई नीला वाला, पीला वाला, सफेद वाला, काला वाला मेंढक ऊपर आ जाता, आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं ना, और सब अपनी अपनी राग रखने लगते हैं, तो ठीक उसी तरीके से जब चुनाव होता है तो निजाने कितने प्रत्याशी, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी, जिस राजनीतिक पार्टी के आपने कभी नाम भी ना सुना होगा उसमें राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति आप लोगों के बीच में आकर के अपनी अपनी बात करेगा, यही लोकतंत्र की खूबी है, यही विश्वस्त लोकतंत्र है, हर व्यक्ति अपनी बात को रखने का अधिकार रखता है। निश्चित रूप से ऐसे में बहुत सारे लोग आएंगे और आपके बीच अपने मन की बात रखेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इतने होशियार होते हैं कि झूठ की बुनियाद पर वो किले बनाने का सपना दिखाते हैं आपको। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक दिन का वीडियो सुन रहा था, अजगरा के पास शाम का वीडियो था, पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था, वो भाषण कर रहे थे कि आप लोगों ने विधायक जी को दो बार बनाया, आज विश्वनाथगढ़ विधानसभा उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ गई, क्या किया उन्होंने, एक व्यक्ति बहुत गरीब था, बिल्कुल गंदे कपड़ों में था और बिल्कुल शराब में मस्त था, उसकी जवाब भी ठीक से नहीं निकल रही थी, लेकिन वो सामने आ ही गया और कह रहे ये सड़क 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 तो विधायक जी ने बनाई, अब उनको ये भी नहीं पता था कि ये सड़क कब बनी है, किसके सौजन्य से बनी है, लेकिन कोई बात नहीं है, कुछ लोग जानते हुए भी नहीं जानना चाहते हैं, कुछ लोग जानते हुए उसे झूठ करार देना चाहेंगे, जो जानते हुए भी नहीं जानना चाहते वो नहीं देखना चाहते, हो सकता है अभी तो मैंने कहा आपको कि शारीरिक बीमारी उन्हें ना होगी लेकिन मानसिक बीमारी जरूर होगी, और मानसिक बीमारी की वजह से उनको मोतियाबिंद हो गया होगा,
जिनको विकास का कार्य नहीं दिखता होगा वो नहीं दिखेगा। लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं डॉक्टर भी हूँ, ऐसे लोगों के का इलाज भी होगा, उनको विकास दिखाई भी पड़ेगा और आपको विकास मिलेगा। हमारी साथियों, मैं आप सबका ऋणी हूँ, कर्जदार। आपने मुझे बार बार अवसर दिया, एक गरीब किसान के बेटे को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दो दो बार भेजा और मैंने आप सब लोगों से एक ही वायदा किया था कि सुरक्षा सम्मान विकास ही हमारा वादा है। और अभी कुछ दिनों पहले पत्रकारों ने फिर मुझसे पूछा विधायक जी, इस बार के चुनाव में आपका एजेंडा क्या होगा। मेरा एजेंडा नहीं बदलता, लोकतंत्र में मैंने एक ही एजेंडा बनाया है, सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान, सबका विकास, यही हमारा एजेंडा है और हम इसी पर काम करेंगे। और आज मुझे बताते हैं, प्रसन्नता हो रही है कि जब आप लोगों ने मुझे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भेजा, पहली बार उस समय विश्वनाथगंज विधानसभा में एक भी सड़क ऐसी नहीं थी जिसको किसी भी विधायक और सांसद ने साथ मिलकर चौड़ा बनाने का काम किया। 65 वर्षों में जनपद प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी नदी सही नदी, जिस पर हमारे विधानसभा के दायरे में आने वाले क्षेत्र में 4 पुल बने हुए थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जितने पुलों का निर्माण पिछले 65 सालों में नहीं हुआ उससे कहीं ज्यादा पुलों का निर्माण मैं करा रहा हूं। और सही ये है, 90% से ज्यादा बन करके तैयार हो गया। आपका उधर भ्रमण करने का अवसर मिले तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, आप तो गए ही होंगे। आप और ये तालाघाट की घटना हुई है, बहुत दिन हो गया। 2011 में मैं वहां पर गया था, 2010 या 11 की घटना थी, लगभग 10-11 बच्चे नाव में डूब करके मर गए थे। लोगों ने वादा किया था लेकिन वह पुल बनाने का काम नहीं किया गया। उस पुल को भी बनाने का काम आज मुझे उसका सौभाग्य मिल रहा है। उस पुल को बनाने का काम भी, तालाघाट के पुल बनाने का काम भी मैं करवा रहा हूं। छतरपुर का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, हमारी विधानसभा तो अमेठी के बॉर्डर को जोड़ती छतरपुर घाटपुर का पुल भागीपुर कमौरा के बीच बनाने का काम जारी है। बिसई और दौली के बीच में पुल के अभाव से वहां पर भी एक घटना हुई थी। वहां पर भी एक किसान अपनी नाव बना करके अपने दूसरे पार के खेत में जा रहा था, उस समय भी उसकी नाव डूब करके मौत हुई थी। देवली घाट पर पुल बनाने का काम कर रहा हूं, वह अभी 90% से ज्यादा बन करके तैयार हो गया। आप और आगे बढ़ेंगे, देवली घाट को हमारे सोमवंशी खानदान की कुलदेवी धाम पर वास करती, लेकिन उस देवला देवी धाम पर जाने के लिए कोई सड़क बनाने का काम नहीं किया था। जब मुझे पता चला कि ये सोमवंशियों की कुलदेवी, मैंने 3 किलोमीटर लंबा सड़क बना करके उस धाम तक पहुंचाने का भी काम किया।